यहाँ तो चलो बहुत कराने इस्लाम तो आज से घूम बीमार। करो मैम को। अस्सलाम मैम वालेकुम, ये कौन वालेकुम अस्सलाम। अपना कैमरा ऑन कर लें बेटा, हम काम स्टार्ट कर रहे हैं उर्दू का। ठीक है, तो आपने अभी ज्वाइन किया है, मैं आपको बता रही हूँ सब। चले मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ इसको। चलें, हरूफ का तारुफ और उनकी पहचान। ठीक है, हमने जो इस हफ्ते में मुकम्मल किए हैं हरूफ, उनका तारुफ भी होगा, और जो हम इस आज करने वाले हैं वो हम उसका तारुफ और उनकी पहचान करेंगे। ठीक है, इस हफ्ते में हमने जो हर्फ मुकम्मल किया था वो है स्वात, और स्वात से क्या क्या बनता है। स्वात सोफा, स्वात सुराही, स्वात संदूक, स्वात साबुन। ठीक है, और इसके बाद जो हर्फ आता है वो है ज़ुआद, जिसको आज हम मुकम्मल करने लगे हैं। ज़ुआद में और स्वाद में ये फ़र्क है, ये दोनों है तो एक जैसे, लेकिन इनमें नुक्ते का फ़र्क है और इनकी फिर आवाज़ें भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनके नाम भी थोड़े से तब्दील हो जाते हैं। स्वाद की आवाज़ आती है स्वा, ठीक है, और ज़ुआद की आती है ज़ुआ ज़ुआ, ठीक है, थोड़ी तब्दील हो जाती है, और इसके ऊपर एक नुक्ता है, जबकि स्वाद में कोई नुक्ता नहीं है। अब हम देखते हैं कि ज़ुआद से क्या क्या बनता है। ज़ुआद ज़ईफ, ज़ुआद ज़ाया, ज़ुआद ज़ईफ। ज़ईफ कौन होते हैं, किसको हम बोलते हैं ज़ईफ, बूढ़े लोगों को। ठीक है, ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स जो हमारे होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, नानी नानी दादी, ठीक है, दादा, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ज़ईफ। ठीक है, उर्दू में हम ज़ईफ बोलेंगे, इंग्लिश में हम उनको ओल्ड, ठीक है, ज़ईफ। ज़ुआद से ज़ईफ और ज़ुआद से ज़ाया। अब आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये बच्चा जो है ये कुछ चीज़ें ज़ाया करने लगा है, डस्टबिन में फेंकने लगा है, जो कि उसके काम की नहीं है। ठीक है, तो वो उनको अब ज़ाया कर रहा है, उनको फेंक रहा है, तो ये ज़ुआद से ज़ाया है। और कुछ बच्चे जो है ना वो ऐसा करते हैं कि वो पेजेस को ज़ाया करना शुरू कर देते हैं, अपनी कॉपी के पेजेस को टेयर अप शुरू कर देते हैं, फिर उसको टेयरिंग करते हैं, उनको फाड़ देते हैं, तो वो ज़ाया करते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये तो वेस्ट कर रहा है, वो चीज़ें ज़ाया कर रहा है जो इसके काम की नहीं है, लेकिन आपने पेजेस को इस तरह ज़ाया नहीं करना। ठीक है, चले अब हम देखते हैं कि हमने ज़ुआद की ट्रेसिंग कैसे करनी है। ठीक है, आप गौर से सुने और फिर उसके बाद हम अगली काम शुरू करेंगे। बच्चों अब हम स्वाद और ज़ुआद को लिखने लगे हैं। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप इन दोनों को गौर से देखें तो इनकी शक्लें एक जैसी है, सिर्फ इनमें नुक्ते का फर्क है। स्वाद के ऊपर कोई नुक्ता नहीं है जबकि ज़ुआद के ऊपर एक नुक्ता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था स्वाद लिखते हुए भी कि इसकी ये जो यहाँ से यहाँ तक शक्ल है ये आम की तरह है, या आप इसको कह लें पत्ते की पत्ता नुमा इसकी शक्ल है। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी दोहराई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ से हम शुरू करेंगे और इन नुक्तों को आपस में मिलाते जाएंगे। ठीक है, फिर हम इसके बाद स्वाद और ज़ुआद को लिखेंगे। तो आपको ये इसकी पता नुमा शक्ल या आंख नुमा शक्ल नजर आ रही होगी। अब हम स्वाद को लिखते हैं। ठीक है, तो हमने इसको यहां से शुरू करना है। यहां से हम अगर शुरू करेंगे तो हम इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके जाके नीचे ला के इसी तरह इसकी शक्ल गोलाई में बना के फिर यहां से ऊपर जाएंगे और फिर इधर से नुक्तों को मिलाते जाएंगे। और हमने स्वाद को मुकम्मल कर लेना है, हमारा ये हर्फ है स्वाद। अब हम ज़ुआद लिखेंगे। ठीक है, ज़ुआद की शक्ल भी इसी तरह स्वाद की तरह है, इसको भी हमने यहाँ दरमियान में से शुरू करना है और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले जाकर फिर यहाँ से गोल घूमकर नीचे आके एक पत्ते की नुमा की इसकी शक्ल इसी तरह बनाएंगे। और फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आके यहां से इसी तरह हम स्वाद
स्वाद की तरह इसको लिखेंगे, और जब हम इसके ऊपर एक नुक्ता डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ज्वाद, क्या बन जाएगा, ज्वाद। और इसकी आवाज भी थोड़ी सी तब्दील हो जाएगी, जैसे स्वाद की स्वाह, ठीक है, और इसी तरह ज्वाद की ज्व, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये पेज नंबर 60 है आपकी बुक का, ठीक है, वो निकालें, ओपन करें जल्दी से, और हमने ज्वाद की अभी इसमें पहचान करनी है, और इसके साथ इसमें जो चीज़ें दी गई उनमें कलर्स करने, ठीक है। तो ये ज्वाद का है, इसमें आपने ज्वाद को ट्रेस करना है पहले पेंसिल से, जो ज्वाद दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था, कहाँ से, जहाँ से ब्लैक डॉट शुरू हो रहा है वहीं से आप पेंसिल रख कर इसकी ट्रेसिंग शुरू करेंगे, और फिर आप इसके ऊपर एक नुक्ता भी है उसको भी आप मुकम्मल करेंगे, ठीक है। ज़ुआत लिखें, और उसके बाद आपने ज़ईफ़ और ज़ाया में कलर्स करने हैं। ज़ईफ़ कौन है, दादी अम्मा है, और ये दादी अम्मा एक बूढ़ी औरत है यहाँ पे जो बैठी हुई है, दादी अम्मा, ये ज़ईफ़ है, और ये एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम ज़ारा है, वो उसको मना करें, क्योंकि ज़ारा क्या कर रही है, ज़ारा अपनी कॉपी से पेजेस को फाड़ती जा रही है, ज़ाया कर रही है, वेस्ट कर रही है उनको, ठीक है, क्योंकि वो उसकी किसी, वो उस उनको रख नहीं रही आराम से अपने पास कॉपीज़ को, और वो उसको ज़ाया करती जा रही है उसके पेजेस को। तो दादी अम्मा उसको मना कर रही है, नहीं ज़ारा, नहीं, ठीक है, ज़ाया नहीं करने, ठीक। तो आपने इनमें कलर्स करने हैं, दादी अम्मा के कलर कपड़ों में भी कोई अच्छे से कलर्स कर दें, और साथ में फिर ये जो पेजेस ज़ाया करिए ज़ारा, उसके पेजेस में भी कलर्स कर दें। तो शुरू करें, फिर मैं आपके साथ 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 आपसे फिर पूछती भी जाऊंगी, ठीक है। चलें, आप लोग अपना काम स्टार्ट करें, जल्दी से कलरिंग स्टार्ट करें, और फिर आपने, आपके साथ जो मैंने वर्कशीट शेयर की हुई है ज़ुआद की, वो भी आज आपने मुकम्मल करनी है, ठीक है, उसको भी कंप्लीट करना है। तो इसको जल्दी से, इस पेज को, इसकी कलरिंग कंप्लीट करें, और अभी आपने मुझे दिखाना है, मैं वन बाय वन आपके साथ अभी रीइंफोर्समेंट भी करने लगी हूँ इसकी, ठीक है। आज हमने कौन सा हर्ब सीखा है, साथ साथ लिखते हुए, कलरिंग करते हुए, बोलते भी जाएं, याद करते जाएं कि आज आपने ज़ुआद सीखा है। कौन सा हर्ब सीखा है, ज़ुआद। राहिमा बेटा, स्टार्ट योर कलरिंग। बरीरा, आपने स्टार्ट किया बेटा। आयजा फैसल, वेरी गुड आयजा। मोहम्मद जायन, वानिया एंड फजर, आप दोनों की कैमरास अभी तक ऑन नहीं हुए थे। ओके जी वानिया, ओके फजर, आर यू देयर? चले, मैं आप लोगों से ना बार वन बाय वन पूछना शुरू करती हूँ, ठीक है, हमने क्या आज लिखा है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मोहम्मद जाइन। जी मोहम्मद जाइन, आज हमने कौन सा हर्फ सीखा है? ज़ुआद। ज़ुआद, ज़ुआद से क्या क्या चीजें, चीजों के नाम बनते हैं? ज़ाया, वेरी गुड। फजर, फजर आर यू देयर? आपका कैमरा नहीं ऑन हुआ बेटा, इट्स स्टिल ऑफ। ओके, हैव यू स्टार्टेड योर वर्क, आपने काम शुरू किया हुआ है?
फजर या ओके आज हमने कौन सा हर्फ सीखा है फजर स्वाद ज़ुआद और ज़ुआद से क्या क्या बनता है ज़ुआद से क्या क्या बनता है बेटा जी ज़ुआद ज़हीर ज़रूर ज़ुआद से अच्छा मैं आपको बता देती हूँ मैं आपकी हेल्प करती हूँ ठीक है आपको मैं रिपीट करने लगी हूँ आई थिंक सो शायद आपके कोई कनेक्शन में इशू आ रहा है अच्छा ज़ुआद से आज हमने स्वाद और ज़ुआद की दोहराई की है और आज हमने ज़ुआद पढ़ा है ठीक है और ज़ुआद से क्या क्या चीजों के नाम बनते हैं ज़ुआद ज़ईफ ज़ुआद ज़रूफ सॉरी नॉट ज़रूफ ज़ुआद ज़ईफ ज़ुआद ज़ाया ठीक है वो ज़ोए से बनता है ज़रूफ वो ज़ुआद से नहीं बनता ज़ुआद जो है वो मुख्तलिफ है वो स्वाद की स्वाद का ही भाई है ठीक है उसके ऊपर सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है इसलिए उसकी आवाज जो है वो तब्दील हो जाती है ज़ो की आवाज आती है ज़ुआद से ज़ाया ज़ुआद से ज़ईफ ठीक है आपके पेज नंबर 60 है आपकी बुक में आपने उसमें कलरिंग करनी है ज़ुआद ज़ईफ और ज़ुआद ज़ाया ठीक है ज़ईफ बूढ़े लोगों को बोलते हैं ठीक है उसमें आप कलर शुरू करें और फिर आप मेरे साथ पिक्चर शेयर कर लीजिएगा ओके चलिए मैं लाइबा से बात करती हूँ लाइबा आज हमने कौन सा हर्फ सीखा है स्वाद कौन सा हर्फ सीखा है स्वाद और स्वाद से क्या क्या बनता है स्वाद ज़ाया जी ज़ईफ ओके वेरी गुड अब आप जल्दी से कलरिंग कंप्लीट करें इसमें और फिर मुझे आपने दिखानी है ठीक है लाइबा ओके अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद माबाद वालेकुम अस्सलाम यूसुफ मैं आती हूँ आपके पास अभी आपसे बात करती हूँ बेटा एक मिनट जस्ट गिव मी वन सेकेंड जी मोहम्मद माबाद हाउ आर यू ओके मोहम्मद माबाद हमने आज का हर्फ जो किया है स्टार्ट वो है ज़ुआद ठीक है आपकी बुक का पेज नंबर 60 है आप जल्दी से वो स्टार्ट करें मेरे साथ फिर मैं आपको साथ साथ इसकी दोहराई भी कराती जाती हूँ ठीक है पेज नंबर 60 है तो वो आप अपनी उर्दू की बुक का पेज नंबर 60 अभी स्टार्ट करें उसमें ज़ुआद लिखा है ज़ुआद की ट्रेसिंग करनी है आपने और साथ में आपने उनके अंदर कलर्स करने हैं ज़ुआद ज़ईफ ज़ुआद ज़ाया ठीक है आप स्टार्ट करें फिर मैं आपसे भी आपको भी इसकी दोहराई भी करा देती हूँ जी यूसुफ जी यूसुफ वेरी गुड यूसुफ बहुत अच्छा काम किया आपने शाबाश वेरी गुड ओके मोहम्मद यूसुफ आज आपने कौन सा हर्फ सीखा है ज़ुआद थोड़ा पास आके बोलेंगे आज हमने कौन सा हर्फ सीखा है ज़ुआद ओके और ज़ुआद से क्या क्या चीजों के नाम बनते हैं जल्दी से मुझे बता दें ज़ईफ जी ज़ाया वेरी गुड आप इतनी देर सोचें अगर ज़ुआद से कोई और लफ्ज़ बनता है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा ठीक है फिर मैं आपसे बात करती हूँ जी लाइबा वेरी गुड गुड जॉब अच्छा काम किया आपने शाबाश जी फजर आपका कंप्लीट हो गया बेटा नहीं अच्छा जल्दी ओके जल्दी से कंप्लीट करें इसको ओके आयजा फैसल आपने कंप्लीट कर लिया है आयजा
बेटा आज हमने कौन सा हर्फ सीखा है? ज़्वाद। ज़्वाद। और ज़्वाद से क्या क्या बनता है? साया। और साया। साया। वेरी गुड। आपने इसको पढ़ना है बार बार और वर्कशीट भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? उसपे ज़्वाद की ट्रेसिंग है और कलरिंग भी है। ओके ओके हादी अहमद आपका कंप्लीट हो गया मेरा बेटा? जी हादी बोलिए। हादी आज क्या सीखा हादी ने? जी हादी बताएंगे आज आपने क्या लिखा है? ज़्वाद। ओके वेरी गुड। और ज़्वाद से क्या क्या बनता है हादी? और ज़ईफ। वेरी गुड। ओके आपने वर्कशीट भी कंप्लीट करनी है। ओके नूरिया शाह अनम्यूट। जी नूरिया आपने आज कौन सा हर्फ सीखा है बेटा? ज़्वाद। 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 और ज़्वाद पे क्या क्या चीजों के नाम बनते हैं? ज़ाया, 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 ज़ाया और ज़ईफ। ज़ईफ। वेरी गुड वेरी नाइस। आप रो रही हो या हंस रही हो? हाँ मैं तो डर गई थी, मैंने कहा शायद नूरिया रो रही है ना? आप तो हंस रही हो। This is the way I like it. Very good. Okay, बरीरा के पास हम चलते हैं। बरीरा जी बरीरा आज हमने कौन सा हर्फ सीखा है जल्दी से मुझे बता दें, ठीक है? विस्किंग में क्यों बोल रही हो? हाँ तेज हुआ है। तेज ज़्वाद हुआ है। क्या बनता है ज़्वाद? अच्छा चलो मुझे ये बता दो ज़्वाद से क्या क्या बनता है, किन किन चीजों के नाम बनते हैं? जो भी आपने जिसमें कलरिंग की है वो ही बता दे मुझे। ज़्वाद से ज़ईफ। वेरी गुड। ज़ाया। वेरी नाइस वेरी गुड। ओके राहिमा नाउ इट्स योर टर्न। जी राहिमा राहिमा आज हमने कौन सा हर्फ सीखा है जल्दी से बता दे मुझे? ज़्वाद। ज़्वाद। और ज़्वाद से क्या क्या चीजों के नाम बनते हैं जल्दी से अपने फ्रेंड्स को बताएं, शेयर करें सबके साथ। ये क्या है? दादू। दादू ओल्ड है ना? ओल्ड को तुम्हें क्या कहते हैं? ज़ईफ। और ज़ाया। ज़ाया। ज़ाया को ज़ईफ और ज़ाया। ज़ईफ और ज़ाया। वेरी गुड। आप जल्दी से अपना काम कंप्लीट करें और फिर आपने वर्कशीट भी फिर कर लेनी है, ठीक है? ओके टीचर आपको पता है मैं अपनी नाना बुक की हाउस जा रही हूँ। अच्छा वेरी गुड। ओके फिनिश करो ना। वानिया वानिया यस मैम। वानिया आज हमने कौन सा हर्फ सीखा है? आज ऊंचा बोले मैम को आवाज नहीं आ रही। जी कौन सा हर्फ सीखा है वानिया? ज़्वाद। ज़्वाद। वेरी गुड। और ज़्वाद से क्या क्या बनता है? किस किस कलर की है? जी ज़ाया और ज़रीफ। ज़रीफ नहीं ज़ईफ। ज़ईफ।
ठीक है, ज़ईफ कौन होते हैं? ज़ईफ हम किसको बोलते हैं? तो बोलो। ये बूढ़े होते हैं। बूढ़े होते हैं, ओल्ड को। ठीक है, अच्छा जी मोहम्मद माबाद। आपने वर्कशीट पे काम शुरू किया है? बुक है आपके पास माबाद? जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद माबाद, हाउ आर यू? हाय, माय नेम इज माबाद। माबाद, हाँ, एम आई राइट? माबाद और माबाद? ओके, हु इज लेफ्ट? कोई रह गया है जिनसे मैंने बात ना की? ओबरीरा, ओके, मोहम्मद जाइम, अपने ठीक हो गया बेटा? ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस जी। ओके, माबाद है या माबद है जी, थोड़ा बता दें। माबद, ओके, योर नेम इज वेरी डिफरेंट। माबद, ओके, हैव यू कंप्लीटेड? आपने काम कंप्लीट कर लिया? वर्कबुक पे भी किया, पेज नंबर 60 आपने करना था, मैंने जो आपको बताया था। है आपके पास उर्दू की बुक, उसमें कर लिया आपने कलरिंग कंप्लीट? बाद में कर लिया। अच्छा ठीक है, चले आज हमने कौन सा हर्फ सीखा है? ज़्वाद। और ज़्वाद से क्या क्या बनता है? ज़्वाद से ज़ईफ, ज़ईफ मैंने आपको बताया है उन, हाँ जी, ज़ाया। ज़ईफ होते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, उनको हम उर्दू में क्या बोलते हैं? ज़ईफ। और ज़ाया, ठीक है, एक लफ्ज आपने कौन सा सीखा है ज़्वाद से? ज़ाया। ओके, तो आप जल्दी से अपना कंप्लीट करें। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बरीरा। वानिया, आपका कंप्लीट हो गया बेटा? चलें, आज हमने कौन सा हर्फ सीखा है? ज़्वाद। और ज़्वाद से हमने कौन कौन सी, बरीरा, वेरी गुड, वेरी नाइस। वानिया, वेरी गुड। ओके, नूरिया शाह, वेरी नाइस। ओके, फजर, वेरी गुड। आज हमने कौन सा हर्फ सीखा है? ज़्वाद। और आपने इसको बार बार रिपीट करना है, दोहराई करनी है, और वर्कशीट भी इसकी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? ज़्वाद से क्या क्या बनता है? ज़ईफ और ज़ाया, ठीक है। चलिए, अब ऑलमोस्ट हमारी क्लास का टाइम फिनिश हो गया है, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग यू कैन आस्क। वेरी गुड नूरिया, वेरी नाइस, आपने तो वर्कशीट भी कंप्लीट कर लिया। ओके, मवाद, वेरी गुड, अल्लाह हाफिज, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बंद कर।